अब आपको बताएंगे कि जो कॉन्सेप्ट है इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन क्या किए हैं लिख दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश एंड और ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए ए सी बराबर क्या और बी सी बराबर क्या। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे। एक आगे क्वेश्चन, एक कोण 90 अंश है अर्थात त्रिभुज राइट एंगल है, ठीक ना, हम बना दे रहे हैं। देखिए लाइन से एक हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं भैया। ट्रायंगल आपको बनाना आता है, बनाना आता होगा, ये ट्रायंगल है, ये ए है मान लेता हूँ, ये बी है सी है। जो बी है ये कितने अंश का है 90 अंश का है, ठीक, और जो कोण सी है ये कितने अंश का है 60 अंश का, कितने अंश का है 60 अंश का, ठीक। और दिया है ए बी एस बी, ये 21 सेंटीमीटर है, कितना है 21 सेंटीमीटर का। आपको ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ठीक, ये ज्ञात करना है। देखिए हम लिख यूनिट लिख चुके हैं, यूनिट लिखे हैं, इसको पिछले वीडियो से बताए थे कैसे होता है। देखिए यही है, अब बताइए, अब एक त्रिभुज का अगर एक कोण 60 अंश का है और दूसरा कोण 90 अंश का है तो ये कोण कितने अंश हो जाएगा, ये कोण, त्रिभुज तीनों कोण के फर्क 180 अंश होता है तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दो आ जाए कितना 30 अंश। तो आप सकते हैं यहाँ पे कि कोण ए बराबर 180 माइनस कोण बी माइनस कोण सी। अब देख रहे हैं बल्ब रखा गया है, सॉल्व करेंगे तो आया कितना 30 अंश, कितना 30 अंश, ये आ गया आपका कितना 30 अंश, 30 अंश आ गया कि नहीं, ओके। अब तो देखिए ये दिया है ए बी और दिया है 60 डिग्री के सामने, तो बताइए 60 डिग्री के सामने 30 60 90 के केस में 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है रूट 3 यूनिट, 60 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट होता है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कहेंगे रूट 3 यूनिट, रूट 3 यूनिट बराबर 21 सेंटीमीटर, समझ नहीं। देखिए अगर ये देता तो एक यूनिट बराबर देता, लेकिन 60 डिग्री सामने दिया है तो 60 डिग्री सामने कितना यूनिट होता है रूट 3, तो रूट 3 डिग्री बराबर 21 सेंटीमीटर। यहाँ से बताओ एक यूनिट बराबर कितना 21 बटे रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक, रूट 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए कोई संख्या रूट नीचे हम छोड़ते नहीं है, परमीकरण कर देते हैं, क्या करते हैं परमीकरण। तो अगर इसका परमीकरण कर देंगे तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब बता चुका हूँ परमीकरण, हो तो जाएगा 21 रूट 3 बटे 3, रूट 3 में रूट 3 रूट हट जाएगा 3 होगा। अब देखिए 3 एक के 3 3 सत्ते 21 आ गया कितना 7 रूट 3 आ गया, एक यूनिट बराबर कितना 7 रूट 3। अब बताइए एसी कितना होता है, एसी क्या है 90 डिग्री सामने और क्या यूनिट है 90 डिग्री सामने 2 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का मान 7√3 है तो कहेंगे तब 2 यूनिट बराबर 2 × 7√3 बराबर 14√3 सेंटीमीटर, ठीक। अर्थात ये देखिए कितना यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है ना, ये 2 यूनिट होता है 90 के सामने, ये आ गया आपका कितना 14√3 सेंटीमीटर, निकल गया आपका वैल्यू। और ये आ गया कितना, ये एक यूनिट होता है तो एक यूनिट आप कितना आ गया आपका 7√3, कितना 7√3 ओके। तो अर्थात ये आ गया, देखिए जो 2 यूनिट है ये किसका मान है एसी का। अब लिख देंगे एसी बराबर ORR, एसी बराबर 14√3 सेंटीमीटर एंड बीसी एक यूनिट है, ये तो बीसी है ना, कर देंगे बीसी बराबर 7√3 सेंटीमीटर। बताइए फिर मैं नहीं सुनना आ गया कि नहीं, ये अगर याद रहेगा तो कर लेंगे आराम से, आसान कितना है क्वेश्चन, कितना आसान है, केवल एक भुजा दिया था 2 कोण दिया था हम लगा लिए, ठीक। तो जितने कॉन्सेप्ट दिख रहे सब पर हम यहाँ बताएंगे आपको, सब पर यहाँ बताएंगे। तो इसे आप नोट कर लिए, पहले एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक। देखिए दिया है, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया हमने ग्राफ। अब यहाँ पर रूट 3 यूनिट बराबर कितना 21 सेंटीमीटर, आप एक यूनिट मान निकाल दिए आया 7√3,
अब ये देखिए दो यूनिट होता है तो दो गुणे रूट सात रूट तीन बराबर 14√3 सेंटीमीटर। ओके यहाँ से आपको वैल्यू आ गई, इसे नोट करिए, फिर आपको क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस पर। ओके नोट करिए।